जो कि जब जिंदा थे यानी वेन ही वॉज अ लिविंग पर्सन दैट टाइम ही वॉज वेरी हैप्पी हमेशा खुश रहते थे क्योंकि ऐसा होता था कि इनके पास किंगडम है राज है हर एक फैसिलिटी है पैसे हैं कभी भी उन्होंने ऐसी उनने मिसरीज भी देखी अपनी लाइफ में जैसे सैडनेस पॉवर्टी तो ये सब चीज़ें उनको पता ही नहीं थी सो ही वॉज वेरी हैप्पी बट जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए उनका एक स्टैच्यू जो है वो बिल्कुल सिटी के टॉप पे लगाया जाता है जिससे उनको सब कुछ दिखता है नीचे कि उनके किंगडम में एक्जैक्टली exactly हो क्या रहा है तो जब वो अपने किंगडम में नीचे सब देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कितने लोग हैं जो बहुत ज्यादा सैड हैं कितने लोग हैं जो पॉवर्टी से डील कर रहे हैं जो गरीब हैं बहुत से लो, लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं या फिर जिन्हें इतना काम करना पड़ता है कि वो अपने घर में ध्यान नहीं दे पाते बहुत लोग बीमार हैं तो ये जितनी भी लाइफ की जो पॉवर्टी रिलेटेड या फिर सैडनेस रिलेटेड मिसरीज होती हैं वो सब वो देख पाते हैं और जब ये सब देखते हैं ना सो ही इज नॉट अ हैप्पी प्रिंस है बट बींग स्टैच्यू वो कर भी क्या सकते हैं राइट बट ऐसा कुछ होता है कि ये जो स्टैच्यू है प्रिंस का विच इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय गोल्ड लीव सूबी स्टोन तो वो सब चीजों की हेल्प से वो इन सब लोगों की मदद करते हैं कैसे करते हैं दैट इज समथिंग जो हम देखेंगे इस पर्टिकुलर स्टोरी में बट फॉर नाउ हमें ये पता होना चाहिए कि ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं

वे और इफ समाइम्स यू कैन हेल्प अ पर्सन लाइक दिस डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट सो दैट इज समथिंग जो हम इस पूरे चैप्टर में सीखने वाले हैं क्यों मैसेज पहले ही डिस्कस कर लिया बिकॉज इट्स अ वेरी ओवरवेलमिंग मैसेज तो अब स्टोरी पढ़ने में हम थोड़े बहुत इंटरेस्टेड भी होंगे दैट येस वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कैसे एक हैप्पी प्रिंस है एक स्टैच्यू है और वो स्टैच्यू हेल्प करने वाला है अगर इस पिक्चर में देखो तो एक बर्ड भी आपको दिख रही है इसका भी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि यही हेल्प करने वाला है किसकी इस स्टैच्यू की दैट इज प्रिंस की, की ताकि वो अपने किंगडम को फिर से हैप्पी कर पाए क्लियर तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑथर दैट इज ऑस्को विल डे लेट्स रीड वन टू टू पॉइंट अबाउट क्या पढ़ने वाले हैं पूरी स्टोरी में एंड देन हमें दिया हुआ है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बिफोर द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ

He was an Irish poet and playwright. तो poet तो थे ही ये बहुत सी poems लिखी हैं इन्होंने and all the way वे एक playwright भी हैं यानी कि plays जो scripts होती हैं जो नाटक होते हैं थिएटर्स में उनकी scripts लिखने का काम भी ये बहुत ज्यादा करते थे After writing in different forms throughout the 1880s, the early 1890s saw him become one of the most popular playwrights in London. तो so, ये अपना काम जैसे कि करते हैं differently इन्होंने stories, the poems, plays जो भी लिखा है कब 1880s में वो उनका काम चलता रहा But जो 1890s की beginning थी तब इनके plays जो हैं वो बहुत popular होने लगे and he was then known as most popular playwright in London. यानी इनके plays जो हैं वो बहुत ज़्यादा popular, बहुत ज़्यादा famous रहे हैं London. में इन बिगनिंग ऑफ एटीन नाइंटीज क्लियर सो ओवरऑल हमें ये तो पता चल गया है कि ये जो राइटिंग है वो एक बहुत ही फेमस पोएट

प्रॉब्लम्स हैं इतना ज़्यादा लोग फेस कर रहे हैं सो दैट्स वाई समवेयर ही रिमेंड हैप्पी थ्रू आउट हिज लाइफ बट वंस ही डाइड ही वॉज एबल टू सी ऑल द थिंग्स इन द किंगडम जो कि बहुत ज़्यादा इनके लिए सॉरोफुल होती है ही इज काइंड ऑफ फीलिंग वेरी बैड कि मैं कुछ हेल्प करना चाहता हूँ अपनी पूरे किंगडम की बट कर नहीं सकते क्योंकि अब वो नो मोर ही इज नो मोर अलाइव राइट ही इज जस्ट अ स्टैचू हाउ कैन ही हेल्प अ पर्सन वॉट हैपन्स इज समथिंग और वो वर्ड की हेल्प से बहुत कुछ करते हैं तो चलिए पढ़ते हैं बिफोर यू रीड पार्ट एंडल सी देरी फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर ऑल राइट सो दैपी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल वॉज कवर्ड विद गोल्ड ही रू बी इन अट Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? अब क्या होता है ना ये जो happy prince हैं अभी हम जिनके बारे में पढ़ने वाले वो क्या है एक statue है इस prince का और इनकी जो पूरा statue है वो gold से covered है sapphire stones हैं यानी बहुत अच्छे gem stones हैं sapphire stone होता है देन उसके बाद इनकी जो सॉर्ड है इनकी जो तलवार है उस पर रूबी लगा हुआ है तो ये सब चीजें जो है उनको नहीं चाहिए ही टू गेट रिड ऑफ ऑल और कभी भी ऐसा आपको नहीं सुनाई दिया होगा कि अगर किसी के पास सोना है इतने इतने इंपॉर्टेंट बिल्कुल कीमती जेम और वो चाहता है मेरे पास ये ना रहे ऐसा होता है क्या नहीं होता राइट right? बट इस प्रिंस को ये सब चीजों की जरूरत नहीं है तो क्यों इन सब चीजों की उनको जरूरत नहीं है क्यों वो अपना गोल्ड अपने प्रेशर स्टोन अपने पास नहीं रखना चाहते दैट इज ऑल दैट वी नीड टू रीड इन दिस चैप्टर क्लियर ऑल राइट सो लेट्स वेरी वेल बिगिन विदेरी फर्स्ट पैरा graph which says

हेल्ट अब क्या होता है ना इनका डिस्क्रिप्शन दिया है। देखो ये प्रिंस हैं तो ऑब्वियसली इनका स्टैचू बनाएंगे तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करेंगे क्योंकि भाई किंगडम है क्या ही कमी है तो ये प्रिंस का स्टैचू भी वो बहुत ज्यादा महंगा बनाते हैं कैसे

और इनके शॉर्ट के हैंडल को बनाने के लिए एंड ऑल्सो कंप्लीट स्टैच्यू जो है वो गोल्ड से कवर्ड है क्लियर तो ये चीज है जो कि अपियरेंस बताता है हमें अबाउट द स्टैच्यू डन ऑल राइट वन नाइट a little swallow. एक रात को क्या होता है एक लिटिल स्वैलो स्वैलो क्या होती है एक छोटी सी बर्ड होती है तो स्वैलो का अगर हमें डेफिनेशन पढ़नी है सो इट्स माइग्रेटरी स्विफ्ट फ्लाइंग सॉन्ग बर्ड माइग्रेट करती रहती है डिपेंडिंग ऑन द सीजन तो ये स्वयलो बर्ड जो है वो उड़ते उड़ते आ जाती है इस सिटी में वन नाइट को

अब वो पूरा दिन जो है घूमता रहता है उड़ता रहता है सिटी में फाइनली जैसे ही रात होती है अब वो सोच रहा है पुट आप, इसका मतलब स्टे रुकना चाहिए मुझे रात को और फिर वो मस्ती मजाक में ह्यूमरस वे में बोलते हैं कि मुझे लगता है कि पूरे टाउन ने मेरे लिए बड़ी जोरों शोरों से तैयारियां की होंगी प्रेपरेशन की होंगी ऑब्वियसली पूरा टाउन क्यों एक बर्ड के लिए प्रिपरेशन करेगा बट जस्ट लाइक वो एक ह्यूमरस वे में एक हंसी मजाक में बोलता है कि मुझे लगता है कि पूरे टाउन ने मेरे लिए बड़ी तैयारियां की होंगी बड़ी प्रेपरेशन की होंगी कि इसको हम यहाँ रुकाएंगे हम ये खाना खिलाएंगे इट्स जस्ट अ ह्यूमरस वे ऑफ दिस बर्ड टू से दिस क्लियर ऑल राइट

जैसे बर्ड्स कैसे करते हैं अपना विंग जो है सॉर्ट ऑफ पिलो की तरह बनाते हैं और उस पे सो जाते हैं तो जैसे ही स्वेलो जो है वो अपने विंग को रखकर उसपे सर रखने ही वाला होता है एक बड़ी सी पानी की बूंद जो है वो उस पर गिरती है एक वाटर ड्रॉप इस इसपे गिरता है वॉट अ क्यूरियस थिंग ही क्राइड और वो सोचने लगता है कि यार ये कैसा क्यूरियस यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंज अनयूजल चीज ये कैसे हो रहा है यानी पानी कैसे गिर रहा है मेरे ऊपर

आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटोमेंट टू फ्लाई अवे और वो भी बोलता है चलो मुझे ना अब कुछ और जगह देखनी पड़ेगी मुझे पॉट देखना चाहिए जैसे चिमनी बनी होती है ना घर में कि जो भी स्मोक वगैरह है वो बाहर आए जैसे फैक्ट्रीज में बना होता है तो वैसे ही वो चिमनी पॉट ढूंढने के लिए सोचता है कि मुझे जाना चाहिए चिमनी पॉट ढूंढना चाहिए वहां पर रहूंगा मैं क्योंकि मतलब ही नहीं इतने बड़े स्टैचू का बारिश से तो मुझे बचा नहीं रहा है सो ही वॉज डिटोमेंट टू फ्लाई अवे नाउ फुल वॉज फॉर्म की मुझे अब उड़के जाना है और चिमनी पॉट को ढूंढना है

his face was so beautiful in the moonlight that little swallow was filled with pity who are you he said क्या होता है ना जैसे ही वो देखते हैं किसको स्टैचू को बिल्कुल मूनलाइट पड़ रही है बहुत प्यारी सी यू नो रोशनी पड़ रही है रात को स्टैचू के ऊपर और जो प्रिंस का फेस है वो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि किसी को भी दया आ जाए इस तरीके का फेस दिखता है तो स्वैलो भी जो है वो पिटी से फिल्ड हो जाता है वो भी दया आ जाती है उसको और वो पूछता है स्टैचू से हु आर यू तुम कौन हो

करते इसको, बोर्ड को, कि जब मैं जिंदा था वेन आई वोज लाइफ में बहुत खुश था मैं बहुत है और मुझे कभी भी टीयर्स होते क्या है वही नहीं पता था मतलब मैं लाइफ में कभी नहीं रोया जब तक मैं क्या था अलाइफ था

तब मुझे मेरे लोगों ने इतनी बड़ी बिल्कुल बिल्कुल टॉप पे लगा दिया है सिटी के स्टैचू के फॉर्म में जहां से मैं सब कुछ देख सकता हूँ जहां से मुझे दिख रहा है कि मेरे किंगडम में कितनी अग्लिनस है कितनी मिसरी है कितना सब कुछ बुरा है कितना सैडनेस है पॉवर्टी है बुरी कंडीशंस हैं वो सब मैं अब देख पा रहा हूं और यही देख के अब वो बिल्कुल हैप्पी नहीं है क्यों क्योंकि क्यों उनको पता ही नहीं था ये सब चीजें भी होती हैं उनकी किंगडम में इसीलिए वो खुश रहते थे भाई अगर आपको पता ही नहीं है सैडनेस होती क्या है गरीबी क्या होती है हर एक चीज मिल रही है हर सब कुछ पता है फॉर एग्जाम्पल आपको पता है पेपर में क्या आने वाला है एग्जाम पेपर आपके हाथ में पड़े हुए हैं तो थोड़ी ना दुखी हो गए राइट खुश रहोगे हमेशा वैसे ही ये जो प्रिंस है उनको भी यही है कि उन्होंने कभी देखा ही नहीं है कि दुख दर्द क्या होते हैं सौरों क्या होता है सैडनेस क्या होती है सो ही वॉज ऑलवेज हैप्पी हैप्पी एंड दैट्स हिज नेम केप्ट प्रिंस बट नाउ वेन ही इज डेड वेन ही कैन See everything from top above of the city. That's why he is very sad. And though my heart is made of lead, yet and I cannot choose but weep. और स्टैच्यू बोलते हैं भले ही जो प्रिंस है वो बोलता है भले मेरा जो हार्ट है वो लेड का बना यानी पूरा स्टैच्यू जो है पहले एक स्ट्रॉन्ग मेटल का बनता है लेड का बनता है फिर उसके ऊपर गोल्ड वगैरह रूबी सफारी, सब लगाए होंगे ठीक है तो परफेक्टली ये जो स्टैच्यू है वो बना किसका है लेड का लेड क्या है एक मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल तो इसीलिए उनका हार्ट है का लेड का? का मतलब कोई भी उसमें फीलिंग्स नहीं है बट वो बोलते हैं मेरे पास कुछ भी एक यू नो वे नहीं है कि मैं इसको किस तरीके से डील करूं कैसे मैं लोगों की तकलीफें दूर करूं बस मैं सिर्फ रो सकता हूं तो मैं वही कर रहा हूं वॉट इट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड सेट दस हेलो टू हिमसेल्फ अब ये जो वर्ड है उसको बड़ी मस्ती चढ़ रही है वो ऐसा नहीं है कि वो सोचे कि अरे भाई हैप्पी प्रिंस रो रहा है थोड़ा दुखी हो जाओ नहीं जैसे उसको सुनाई देता अच्छा है, इनका हार्ट लेड का है तो वो सोचते क्या ये पूरे सॉलिड गोल्ड का नहीं है स्टैचू पूरा गोल्ड का नहीं है तो वो अपने आप से बातचीत करने लगता है कौन ही टू टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क बट क्योंकि स्वेलो को इतनी तो समझदारी थी कि प्रिंस बहुत दुखी है तो मुझे ये सब चीजें नहीं बोलनी चाहिए सो ही वॉज बीन पोलाइट एंड ही वॉज नॉट हार्श तो वो जो है ये रिमार्क्स उनको नहीं बोलते बल्कि अपने पर्सनली अपने को धीरे 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 से बोलते हैं खुद को पर करते हैं कि क्या बात है भाई पूरा स्टैच्यू जो है वो गोल्ड का नहीं है बल्कि इसका हार्ट का है, का है लेड का है Far away continued the statue in a low musical voice. फार अवे इन लिटिल स्ट्रीट देर इज अ पुअर हाउस अब स्टैच्यू जो है वो बिल्कुल एक म्यूजिकल टोन में कंटिन्यू करता है अपनी स्टोरी सुनाना तो ये पहली स्टोरी है जो आपको सुनाई जाएगी इस कंप्लीट चैप्टर में क्लियर सो फर्स्ट स्टोरी क्या है कि बिल्कुल दूर एक लिटिल स्ट्रीट पे क्या है एक घर है किसका घर है एक पुअर हाउस है जहाँ पे लोग जो है उनके पास सारी फैसिलिटीज नहीं है एक किसी पुअर इंसान का घर है गरीब का घर है ठीक है अब वहां पर क्या होता है ये स्टोरी बताता है ये स्टैच्यू वन ऑफ द विंडोज इज ओपन and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn, and she has coarse red hands all pricked by the needle, for she is a वहां हमेशा खुली रहती है और वहां से मैं सब कुछ देख सकता हूँ ये स्टैच्यू बोल रहे हैं कि मैं वहां से सब कुछ देख पाता हूँ क्या दिखता है उनको एक वुमन है वो बैठी हुई है कहा टेबल पे एंड इज थ फेस जो है उनका बहुत पतला है वॉन मतलब जैसे कुछ फीलिंग ही ना हो बिल्कुल ऐसा कि बहुत ज्यादा काम किया है उन्होंने बहुत ज्यादा थक गई हैं, वो इस तरीके का उनका फेस है एंड शी का मतलब होता है रफ

और उस वजह से बार बार प्रिकिंग हुई है उनके हाथ में लोग होते है ना, जो सिलाई बुनाई करके अपना काम चलाते हैं अपना घर के लिए कमाते हैं उन्हें कहते हैं सीम स्ट्रेस तो ये वुमन भी क्या थी एक ऐसी थी जो कि क्या करती थी सिलाई करके स्विंग करके अपने घर का खर्चा चलाती थी तो ये बार बार ऐसे होता था कि प्रिकिंग होती थी उनके हाथ में तो बिल्कुल रेड रफ से हाथ हो गए थे उनके क्लियर she is embroidering flowers on a satin gown for a loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next कोट बॉल अब वो कर क्या रही हैं वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं क्या होता है जब जैसे क्लोथ्स होते हैं उस उसपे अगर आ, कोई फ्लावर बनाना हो थ्रेड के थ्रू या फिर किसी चीज को लगाना हो जैसे मोती लगाने हो या जो भी लगाना हो डेकोरेशंस उसे कहते हो एम्ब्रॉयडरी करना ठीक है तो वो क्या कर रही है वो फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है वो बिल्कुल थ्रेड और नीडल की हेल्प से एक सैटिन सैटिन क्या होता है एक बहुत ही ब्यूटिफुल ग्लॉसी सा कपड़ा होता है उसे कहते हैं सैटिन तो उसके गाउन पे वो क्या कर रही है वो स्विंग कर रही हैं और वो फ्लावर्स बना रही है

ये लेडी की बात हो गई और बिल्कुल कॉर्नर में इनका बेटा है जो कि बेड पे है जो बहुत बीमार है उसको फीवर है और वो अपनी मदर से क्या मांग रहा है ऑरेंजेस मांग रहा है क्योंकि उसको बहुत बुखार है तो उसको कुछ फ्रूट चाहिए खाने के लिए बट बिकॉज ये पुअर फैमिली है तो वो ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती क्लियर ऑल राइट हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वॉटर सो ही इज क्राइम और वो बच्चा रो रहा है क्यों बिकॉज उनकी मदर के पास और कुछ है ही नहीं देने के लिए सिवाय रिवर वॉटर के यानी नदी जो वहां पे है उसका पानी देने के अलावा

प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म बनाते हैं रेज फिर स्टैचू लगाते हैं तो ये पूरे प्लेटफॉर्म को क्या कहते हो पेडिस्टिल तो क्योंकि मेरे पैर इस पे जुड़े हुए हैं टाइटली तो मैं वॉक नहीं कर सकता तो मैं तो जाके उस लेडी को रूबी नहीं दे सकता तो क्या तुम जाकर ये रूबी उसको दे के आओगे

तो प्रिंस बोलते हैं प्लीज एक रात के लिए रुक जाओ यहाँ पर और मेरे मैसेंजर की तरह काम करो ताकि तुम मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाओ द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो sad ही सेड आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज आंसर द स्वेलो तो प्रिंस जो है वो इनको समझाते हैं कि जो बच्चा है वो इतना ज्यादा थर्स्टी है मदर जो है वो इतनी ज्यादा सैड है क्योंकि वो गरीब है उनके पास कुछ है नहीं तो ये सब देख देखकर ही मेरी हेल्प कर दो तो सैलो बोलता है मेरे को बच्चे पसंद ही नहीं है तो मैं क्यों जाके हेल्प करूं आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट मुझे तो इजिप्ट जाना है मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता समझ रहे नाम और फिर वो क्या है बहुत ज्यादा तो वो इतने दुखी है देखकर अपने आप को नहीं रोक पाता इट इज वेरी कोल्ड हेर ही सेट और बर्ड बोलता है यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है

पर जाकर घूम रहा अब ये fly करते हुए जाता है इसके बीक में क्या है रूबी स्टोन है और ये फ्लाई करते करते कहाँ पहुंचता है चर्च एक cathedral tower और वहां पर क्या है बिल्कुल sculptures बने हुए हैं एंजल्स के जो कि white मार्बल के

ऐसा नहीं दिखा जो सैड है इसीलिए आपको ये पूरे डिस्क्रिप्शन बताए गए हैं

मेरे गांव पे बट ये जो सीम स्ट्रेसेस होती हैं, जो स्विंग करती हैं, वो बहुत ज्यादा आलसी हैं, लेजी है तो इनका क्या मानना है कि ये लोग क्या है बहुत लेजी हैं इसीलिए उनका काम प्रॉपरली नहीं कर रहे बट एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है उनके घर में वो एक तो थक गई हैं इतना काम कर करके उनके हाथ पूरे प्रिक हो गए हैं नेक्स्ट उनका बेटा जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये होता है ना फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे कहीं पर भी, भी जाओ कोई छोटी मोटी शॉप है या फिर ऐसे जो आप सब्जी वब्जी खरीदने जाते हो तो कभी बड़ी शॉप पे जाते हो ना तो आप इतनी बार्गेनिंग नहीं करते हो इतना ज्यादा मोल भाव नहीं करते अरे भैया कम कर दीजिए ऐसा नहीं बट जब किसी छोटी शॉप पे जाते हो आप जहां आपको लगता है

बहुत आलसी होती हैं, बल्कि प्रॉब्लम क्या है वो आलसी नहीं है बल्कि वो उनके घर में ऐसी कंडीशन है कि वो ये सब चीजें टाइम पे करने की कोशिश कर रही है वो इतनी थक गई हैं कि वो नहीं कर पा रही ऊपर से टेंशन है उनके बेटे का तो इसीलिए क्लियर ऑल राइट He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ships. फिर ये सालो कहाँ से पास होता है रिवर से नदी से और वहाँ क्या दिखता है जो ships हैं, जो जहाज है वहां पर लैंटन लटक रहे हैं Lanterns क्या होते हैं जो lamps होते हैं ना जिससे light मिलती है उन्हें कहते हैं lanterns। तो वो जो है वहाँ पर hang हो रहे हैं

इन ही हॉब्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द थिम्बल अब थिम्बल क्या होता है प्लास्टिक कैप क्लोज्ड एंड वांट टू प्रोटेक्ट द फिंगर एंड पुश द नीडल इन सुइंग के टाइम पे ऐसा कुछ थिम्बल होता है ऐसे ही दिखता है वो एक तरीके से एंड बंद होता है और दूसरी तरीके से हम नीडल डालकर सुइंग कर, कर सकते हैं ताकि हमारे हाथ में ना लगे क्लियर तो इस तरीके की चीज को बोलते हैं थिम्बल तो उस थिम्बल के पास में ही ये बर्ड जो है क्या करता है वो रूबी स्टोन रखकर आ जाता है

है कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा और इसी तरीके से वो एक मीठी सी नींद में डिलिशियस स्लंबर मतलब स्लीप. तो हम बोलते हैं ना बहुत अच्छी मीठी नींद आई यानी कि बहुत अच्छी डीप कंफर्टेबल स्लीप आना वैसी नींद में वो सो जाता है सो दिस इज हाउ जो बर्ड है वो रूबी तो रखता ही है साथ ही साथ उस बच्चे को भी अच्छी नींद आ जाए ऐसा वो एफर्ट करता है क्लियर ऑल राइट Then the the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. और finally swallow जो है वापस जाता है और सब कुछ बताता है कि मैंने क्या क्या किया और वो हैप्पी प्रिंस को बताता है इट इज क्यूरियस ही रिमार्क बट आई फील क्वाइट वार्म नाउलो इट इज सो कोल्ड तो ये वर्ड बोलता है कि भले ये चीज बहुत स्ट्रेंज साउंड करेगी अजीब लगेगी पर इतनी ठंड है फिर भी मुझे बहुत बहुत फील फील हो हो रहा 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 है 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 ऐसा लग रहा है कि परफेक्ट एक होता ना बॉडी का वैसा वैसा, वैसा फील हो रहा है मुझे बट मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है तो प्रिंस बोलते हैं दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन द प्रिंस तो प्रिंस इतनी अच्छी बात बोलते हैं कि क्योंकि तुमने कुछ अच्छा काम किया है ना इसलिए तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से तो तुम इतनी ठंड में भी वार्म जो टेम्परेचर है वो फील कर पा रहे ऐसे कैसे वो सोचने लगता है कि जो बोली ने कुछ अच्छा किया इसीलिए मुझे वॉर्म फील हो रहा है और जब भी सोचता था ना दिमाग लगाता था उसको नींद आ जाती थी जैसे जब भी हम पढ़ते हैं हमें नींद आ जाती है राइट वैसे ही ये बर्ड का प्रॉब्लम था उसको जब भी, भी वो सोचने की कोशिश करता था उसे नींद आ जाती थी और वो सो जाता है क्लियर ऑल राइट

कुछ मदद हो पाई उस लेडी की और उस बच्चे को भी अच्छे से नींद आ गई एंड नाउ एज दे हैव दिस वेरी प्रेशियस स्टोन रूबी स्टोन तो अब उनकी जो पॉवर्टी रिलेटेड चीजें हैं वो भी दूर हो जाएंगी क्लियर सो दिस इज हाउ हैप्पी प्रिंस जो है जो अभी बहुत सैड है थोड़ी बहुत उनको हैप्पीनेस मिली होगी थोड़े बहुत कंटेंटमेंट फील हुआ होगा और स्वेलो वर्ड को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि उसने कुछ अच्छा किया है सो दिस इज हाउ ये पहली स्टोरी है अब नेक्स्ट वीडियो में हमें पढ़ना है इस पूरे चैप्टर का कंटिन्यूएशन दैट इज एग्जैक्टली नेक्स्ट स्टोरीज क्या होती है आगे जाके कैसे हेल्प करता है स्वेलो वर्ड

एंड आई गारंटी बहुत ब्यूटिफुलर हो जाएंगे डन ऑल राइट चलिए नेक्स्ट में मिलेंगे। बहुत जल्द टल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इस टॉपिक की जो नोट्स की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय